हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने इस वीडियो में यूपी टेट 2021 के लिए मैथ्स के जितने भी प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन हैं जो आपके हर एक टेट के एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, सारे क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में ट्रिक के माध्यम से कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपके एग्ज़ाम में पेपर वन हो या पेपर टू हो, लगभग एक से दो क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं प्रॉफिट लॉस के। इस वीडियो को देखने के बाद प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। इसके अलावा मैंने प्रॉफिट लॉस कंप्लीट अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ट वाली बुक से करा रखा है अपने चैनल पर, तो वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि रुपये 10 के 6 की दर से केले खरीद कर रुपये 6 में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत हानि होगी। ऐसे क्वेश्चंस देखिए बहुत आसानी से आप लगा सकते हो। एक तरफ तो रुपीज़ दिया गया है, एक तरफ दर दी गई है, तो पहले ये लिख लिया करिए। देखिए उसने कहा है कि रुपये 10 के 6 की दर से केले खरीदे। खरीदने का मतलब क्या हुआ? क्रय मूल्य। देखिए इस पूरे वीडियो में मैं क्रय मूल्य को CP लिखूँगा, कॉस्ट प्राइस लिखूँगा, ध्यान रखिएगा। फिर उसने कहा है कि रुपये 6 में 4 की दर से केले बेचने पर, तो बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य, मतलब है उसको मैं बोलूँगा SP सेलिंग प्राइस। अब आपको बताना है कि उसको कितने प्रतिशत हानि हुई। मैं अगर आपसे ये चीज़ कह दूँ कि आप दो लोग किसी दुकान पे गए हो और कोई सामान आप खरीद के लाते हो, अगर सामान आप बराबर खरीद के लाते हो, जैसे एक आपका दोस्त है वो दो पेन खरीद के लाया और आप भी दो पेन ही खरीद के लाए हो, उस दोस्त को दो पेन अगर 5 रुपये के मिले हैं और आपको दुकानदार ने 4 रुपये के दे दिए, तभी तो आप पता कर पाओगे कि हाँ मुझे तो यार 1 रुपये फ़ायदा हो गया भाई, उसको 5 रुपये का मिला, मुझे 4 रुपये का मिल गया, इसका मतलब मेरा तो फ़ायदा हो गया। तो आपको हमेशा जो ये वस्तु होती है ना, इनको बराबर रखना है। बस ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, ये जो वस्तुएं हैं इनको बराबर रखना है। अब मैथ्स में किसी चीज़ को बराबर करना बहुत आसान है कि भाई ये 6 है ये 4 है तो इन दोनों को मैं 12 बना देता हूँ। तो 12 बनाने के लिए क्या करूँगा, अब केवल इसमें नहीं, इस दोनों में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 10 × 20 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा और ये जो आपका है ये 12 हो जाएगा। अब मैं इसको 12 बनाने के लिए इस पूरे में भाई 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 12 हो जाएगा और ये आपका 18 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी अब आपको। अब आपने देखा कि हाँ मैंने 12 केले 20 रुपये में ख़रीदे और 12 ही केले मैंने 18 रुपये में बेच दिए, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 20 रुपये वाली चीज़ यार मैंने 18 रुपये में बेच दी, इसका मतलब मुझे तो घाटा हो गया। कितने का घाटा हो गया यार? मुझे 2 रुपये का घाटा हो गया। अब घाटा जो हो गया 2 रुपये का, मतलब ये हानि हो गई। अब हानि प्रतिशत जब आपको निकालनी होती है तो आपके बेस में हमेशा क्रय मूल्य लेते हैं और आपका क्रय मूल्य क्वेश्चन में कितना है? 20। अब इसको प्रतिशत बनाना है तो भाई 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को 20 से कट करिए 10 आ जाएगा, 10 को 100 से कट करिए आपका 10% आ जाएगा, मतलब आपको 10% की हानि हुई। या फिर डायरेक्ट आप यहाँ से देख सकते थे, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करिए कि 2/20 का मतलब होता है 1/10, और 1/10 अगर फ्रैक्शन में लिखा है तो इसका प्रतिशत में मतलब होता है कितना? प्रतिशत में मतलब होता है 10%। तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। इस क्वेश्चन में क्या आएगा, 10% की आपको हानि हो गई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। कह रहा है कि यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए क्वेश्चन वाला अपने पैरों पे कुल्हाड़ी उसने मान ली, उसने सब कुछ वही दे दिया जो आपको कर देना है, बस आप कर दीजिए। उसने कहा भाई 8 पेन का क्रय मूल्य, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 8 पेन, क्रय मूल्य बोला तो मैंने यहाँ CP लिख दिया। उसने कहा बराबर है 6 पेनों के विक्रय मूल्य के, तो मैंने कहा जब आप कह ही रहे हो कि भाई 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो मैंने कर लिया। फिर आपको यहाँ से ये तो करना आता ही होगा भाई, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8।
इस सीपी को यहीं रखिए, इस एसपी को इसके नीचे उठा के ले आइए, तो ये वाला 3 यहीं रहेगा, ये वाला 4 इसके नीचे आएगा। अब आप इतना समझ लीजिए कि मतलब आपको सब कुछ पता चल गया कि सीपी आपका 3 रुपये है और एसपी आपका 4 रुपये है। डायरेक्ट ये चीज़ आपको पता चल गई, सीपी का मतलब चीज़ को आपने 3 रुपये में ख़रीदा है और इसको 4 रुपये में बेच दिया है, तो आपको पूरा पूरा 1 रुपये का लाभ हो गया। लेकिन क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत पूछा है, तो आपका बेस में क्रय मूल्य हो जाएगा और 1/3 को प्रतिशत आपको बनाना है। मैं आपको प्रतिशत वाले टॉपिक में बता चुका हूँ कि 1/3 लिखा है अगर फ्रैक्शन में, तो डायरेक्ट वो प्रतिशत आप उसको लिख सकते हो 33 सही 1/3%, क्योंकि 100 से हम गुणा करेंगे इसमें, तो 33 सही 1/3% आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ गया, 33 सही 1/3%, वो भी क्या लाभ। तो ऑप्शन नंबर इसका आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जैसे क्वेश्चन लिखा है वैसे पढ़िए कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, तो पहले क्या आया है क्रय मूल्य, फिर क्या कह रहा है विक्रय मूल्य, दूसरा शब्द क्या आया है विक्रय मूल्य, और उसने फ्रैक्शन क्या दिया है 3/2। तो बस डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि क्रय मूल्य आपका 3 रुपये है, विक्रय मूल्य आपका 2 रुपये है, क्योंकि उसने कहा है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/2 है। अगर मैं विक्रय मूल्य बाय चांस 2 मान लेता हूँ, तो 2 का 3/2 निकालो, तो ये तो कट जाएगा, तो कितना आएगा 3, और ये क्या है क्रय मूल्य है। तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि आप यहाँ मान लीजिए कि क्रय मूल्य 3 रुपये है, विक्रय मूल्य 2 रुपये, अब तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हो कि भाई 3 रुपये की चीज़ यार मैंने 2 रुपये में बेच दी, मतलब मुझे तो 1 रुपये का पूरा पूरा घाटा हो गया, और भाई प्रतिशत निकालना है तो बेस में क्रय मूल्य होगा। फिर से वही चीज़ आ गई कि जब भी आपके पास 1/3 फ्रैक्शन में हो और उसको प्रतिशत में बनाना हो, तो तुरंत आप 33 सही 1/3% लिख दीजिए, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिया गया है बी में, और वो भी होगी क्या हानि होगी, क्योंकि हानि हुई है तो यहाँ हानि भी लिख दीजिए, तो राइट आंसर इसका यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 4। कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए, तो लाभ 3 गुना हो जाता है, लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में आपको पकड़ना है कि पूछ क्या रहा है, तो आपसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, यही पूछ रहा है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, इतनी चीज़ पता होनी चाहिए। तो जब इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बाकी क्वेश्चन से आपको इतनी चीज़ लानी है, तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए, तो पहले तो मैं विक्रय मूल्य मान ही लेता हूँ कि 100 रुपये है हमारा विक्रय मूल्य, और लाभ हम मान लेते हैं कि लाभ चलो पी है, तो यहाँ से आपका क्रय मूल्य कितना निकल के आएगा, क्रय मूल्य निकल के आएगा आपका 100 माइनस का पी, क्योंकि विक्रय मूल्य से हम लाभ घटाते हैं तो क्रय मूल्य आ जाता है। अब देखिए ये क्रय मूल्य जो है ना 100 माइनस पी, क्रय मूल्य होता क्या है विक्रय मूल्य माइनस का लाभ। कह रहा है कि विक्रय मूल्य को जब हम 2 गुना कर देते हैं, तो हमारा क्रय मूल्य हमारा लाभ जो है वो 3 गुना हो जाता है। तो इस कंडीशन से यहाँ भी आपका 100 माइनस पी होगा, ये क्रय मूल्य है 100 माइनस पी, यहाँ भी क्रय मूल्य लिखा है, यहाँ भी क्रय मूल्य लिखा है, तो दोनों कंडीशन में हम क्रय मूल्य बराबर कर देते हैं, भाई क्रय मूल्य तो बराबर ही रहेगा कुछ भी करें। तो अब यहाँ से हम पी की वैल्यू निकालते हैं, पी की वैल्यू जैसे निकाल लेंगे तो हमको क्रय मूल्य पता चल जाएगा और पी निकल आएगा तो लाभ भी पता चल जाएगा। तो यहाँ देखिए 100 और इधर उठा के लाओगे तो माइनस का 200, और इधर उठा के लाओगे प्लस का पी और माइनस का 3p, तो यहाँ से आपका आएगा माइनस का 2p बराबर माइनस का 100, तो पी बराबर आपका आ गया 50, तो लाभ आपका निकल आया 50। क्रय मूल्य कितना निकला, 100 से पी वाला 50 घटा दिया तो क्रय मूल्य भी 50 और इंटू 100, तो 50 50 कट गया तो आया 100%।
तो कहने का मतलब है क्वेश्चन में पूछा था लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो वो 100% होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से लगा सकते हो। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ कमाता है, वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताता हूँ, जब आपके अंकित मूल्य मतलब एमपी पर कोई चीज़ छूट दी जाती है, जैसे अंकित मूल्य पर आपने छूट दे दी, तो वो बन जाता है विक्रय मूल्य। भाई आप दुकान गए, आपने देखा कि वहाँ पे कोई जीन्स टंगी हुई है और उस पर 500 रुपये प्राइस लिखा हुआ है और साथ में आज जो है 10% की छूट लगी हुई है, तो 500 का 10% छूट मिलने के बाद आप उस चीज़ को ख़रीदेंगे तो वो चीज़ आपके लिए विक्रय मूल्य हो जाएगी। और जैसे आपके पास क्रय मूल्य है, सीपी है, तो उस पर या तो आपको लाभ मिल रहा हो या उस पर हानि हो रही हो, ऐसा होने के बाद क्या आता है, विक्रय मूल्य आता है। तो ये मैंने इतना इसलिए बताया है कि यहाँ से आपका एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया कि भाई अंकित मूल्य पर छूट और क्रय मूल्य पर लाभ या हानि दोनों विक्रय मूल्य होते हैं। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाइए। उसने कहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, दुकानदार 5% की छूट देता है, फिर भी 25% का लाभ कमाता है, उसका क्रय मूल्य बताना है। तो भाई 500 रुपये जैसे अंकित मूल्य है, उस पर आपको 5% की छूट देते हैं, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, 95% निकाल लेते हैं। भाई 5% की छूट है तो 500 का 95% निकाल लेते हैं। हम मान लेते हैं कि चलो मेरा क्रय मूल्य x है और लाभ कितना हो रहा है, 25%, तो x का 125% निकाल लेते हैं। तो ये दोनों हैं तो दोनों तरफ विक्रय मूल्य, तो क्या हम बराबर नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये 100 और ये 100 कट गया। अब 25 × 5 = 150 और 25 × 50 मतलब 20 बार में जाएगा और इस 5 से इस 4 को घटा देंगे मतलब काट देंगे, फिर x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 95 × 4, तो 4 × 5 = 20 के 0 हासिल पर 2, 94 × 36 = 38, तो वो चीज़ का जो क्रय मूल्य है वो 380 रुपये है। तो इसका सही आंसर जो आ जाएगा वो 380 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। कह रहा है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने के बाद भी 10% लाभ कमाता है और 77 अंकित मूल्य वाली वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। तो देखिए 77 रुपये उसका अंकित मूल्य है, 10% उसको बट्टा देता है तो इसका 90% डायरेक्ट बटे 100। क्रय मूल्य मान लेता हूँ मैं x है, लाभ हो रहा है 10%, तो 110 बटे 100, बस x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। अब ये जीरो कट गया, इस 11 से 77 को 7 कट गया, तो x बराबर 963 रुपये आ गया। तो मतलब उसका क्रय मूल्य 63 रुपये था, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए में दिया गया है, तो इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु पर अंकित मूल्य का 64% है, खरीद पर 12% की छूट देने पर प्रतिशत लाभ बताइए। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन ऐसा कराया कि पहले क्या बोला है क्रय मूल्य, फिर है अंकित मूल्य और प्रतिशत में कितना दिया है 64%। तो 64% को फ्रैक्शन में चेंज करिए, 4 से करेंगे इसको डिवाइड, 16 यहाँ पे 25। तो कहने का मतलब है मान लीजिए कि 25 अंकित मूल्य है तो क्रय मूल्य 16 होगा। भाई 25 का अगर मैं डायरेक्ट 64% मतलब 16/25 निकालता हूँ तो कितना आता है, 16 ही तो आता है। तो इसका मतलब अगर अंकित मूल्य मैं मान लेता हूँ 25, तो उसका 64% मतलब 16 वो हो गया क्रय मूल्य, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। अब उसने कहा है कि 12% की छूट देने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा, तो छूट किस पे देते हैं, अंकित मूल्य पर, कितने की छूट, 12% की। तो 25 × 100 यहाँ 4 = 12, तो 3 रुपये की छूट देगा, तो
तो मतलब छूट, अभी मैंने बताया कि अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद वो क्या बनता है, विक्रय मूल्य बनता है। 25 में 3 रुपये की छूट दी तो कितना, 22 रुपये बन गया। ये क्या बन गया आपका, विक्रय मूल्य। निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत। तो क्रय मूल्य पता होना चाहिए, जो पता है। 16 रुपये की चीज़ कितने में बेच दी, 22 रुपये में बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ, 6 रुपये का लाभ हुआ। प्रतिशत निकालने के लिए बेस में 16 होना चाहिए, तो आप मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। तो यहाँ करिए 2 3 6, 2 8 16, 4 2 8, और इसको आप 4 से करोगे 25, 25 3 75 बटे 2, मतलब 37.5 प्रतिशत इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके आसानी से लगा सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल आपका पहले की तरीके दिया गया है। कह रहा है कि 100 संतरे रुपये 400 रुपये में खरीदे गए। खरीदे गए मतलब सीपी, 400 रुपये में ये रुपये हो गए। कितने संतरे खरीदे गए, 100 संतरे खरीदे गए, ठीक है। फिर कह रहा है कि रुपये 60 प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, मतलब 60 रुपये में 12 केले बेच दिए गए, सॉरी संतरे बेच दिए गए। ये हो गया एसपी। हमने कहा था कि ये वाली चीज़ हमेशा आपको बराबर कर लेनी है, तो 100 और 12 इन दोनों को बराबर करने के लिए आपको इसका एलसीएम पता होना चाहिए। तो 100 और 12 का एलसीएम होता है 300, तो इसको 300 बनाने के लिए इस पूरी समीकरण में आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको 300 बनाने के लिए, 12 को 300 बनाने के लिए आपको पता है कि 12 पंचे 60 का 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 25 से ही करना पड़ेगा भाई, कहीं 300 से भाग करके देख लो 12 से, तो 12 दुनी 24 बचेगा 6, 12 पंचे 60, तो यहाँ 25 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ भी 300 आ जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 1200 आ जाएगा, यहाँ 25 12 का मल्टीप्लाई करोगे 300 आ जाएगा, यहाँ 25 छक्का 150 और 10 और 1500, तो कुल मिला के 300 संतरे 1200 रुपये में खरीदे, वही 300 संतरे 1500 रुपये में मैंने बेच दिए। तो हमको डायरेक्ट पता चल रहा है कि मुझे तो भाई 300 रुपये का लाभ हो रहा है, वो भी 1200 रुपये पर। प्रतिशत अगर पूछा है तो 3 × 12 1/4, 1/4 प्रतिशत में 25% होता है, क्योंकि 100 से गुणा करोगे जो 25 टाइम में कट जाएगा, तो 25% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, वो भी क्या होगा, लाभ होगा। तो यही इसका सही आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। बता देता हूँ जल्दी से कि 5 रुपये में 6 की दर से, 6 रुपये में 5 की दर से, तो यहाँ इसको 30 बना लो, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करोगे 36, ये तो दोनों 30 ही हो जाएंगे। 25 की चीज़ 36 में बेच दी, तो इसका मतलब 11 रुपये का उसको लाभ हुआ। 25 रुपये पर प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा, 11 × 44, तो 44% का उसको लाभ हो गया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छा लगेगा भी क्वेश्चन करने के बाद। उसने कहा है 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं कि 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपको सबसे पहले तो ध्यान ये चीज़ देना है कि अगर उसने 144 पेन बेचे हैं तो कंफर्म है 144 पेन ही खरीदे होंगे, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। फिर उसने कहा है कि 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती, कभी कभी लाभ भी बोल देता है, तो सबसे पहले तो हानि पता होनी चाहिए। हानि होता क्या है, हानि हमें तभी होता है जब हमारा क्रय मूल्य
विक्रय मूल्य से ज़्यादा होता है। मतलब चीज़ हमने ज़्यादा की खरीदी, बेची कम की, तो हानि हो गई। अब ये हानि किसके बराबर है? ये हानि बराबर है आपके 6 पेन के विक्रय मूल्य के। तो विक्रय मूल्य हम ऐसे लिख देंगे, मैंने कहा जितनी चीज़ें बेच रहा है उतनी ही चीज़ें खरीदेगा ये मानकर चलते हैं। तो ये क्रय मूल्य कितनी चीज़ों का है? 144 पेनों का CP है, तो 144 पेनों का ही SP होगा। अब यहाँ से SP CP के वैल्यू निकाल लो बस। तो ये 144 SP इसमें आके जुड़ जाएगा तो 150 SP हो जाएगा, और ये 144 ही CP रहेगा। अब यहाँ से SP बटे CP कर लो तो ये 144 ही रहेगा, नीचे 150 आ जाएगा। कहने का मतलब है CP मतलब चीज़ खरीदी, 150 रुपये की चीज़ खरीदी, 144 की हमने उसको बेच दिया, तो मतलब 6 रुपये के घाटे में आ गए। प्रतिशत बनाने के लिए बेस में CP ही होना चाहिए, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। ये जीरो कट गया, 5 × 15, 5 × 10, 3 × 6, तो 4% की उसको हानि हो गई। तो इसका राइट आंसर हुआ 4% की हानि, जो कि ऑप्शन नंबर आपको D में दिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 12। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा, कि मोहन ने एक कार जो है 2,50,000 में खरीदी, तो वो उसका क्या हो गया? वो उसका हो गया, खरीदने का मतलब क्या है, वो उसका हो गया CP। फिर उसने कहा है कि उसने 3,48,000 में बेच दी, तो उसे कितना लाभ हुआ होगा? भाई 2,50,000 की कार 3,48,000 में बेची, तो पहले 2,50,000 से 3,00,000 तक जाओगे तो 50,000 वो हो जाएगा 48,000, और तो 98,000 का उसको प्रॉफिट हो गया। अब नीचे CP है ही है, बस प्रतिशत बना लीजिए। तो ये 4 जीरो यहाँ से कटेंगे, 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे और 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे। तो आप इसको क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 39.2%। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो होगा लाभ। तो इसका करेक्ट आंसर आप इस तरीके से लगा सकते हो, ऑप्शन नंबर आपका आ रहा है B। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 13। एक बेहतरीन क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने एक साइकिल 935 में 10% के लाभ पर बेची। देखिए, जब बेचने का लाभ या हानि और साथ में डायरेक्ट कोई मूल्य दे दिया जाए, तो आपका बहुत आसानी से क्वेश्चन कर लेना है। उसने कहा है 10% का लाभ, तो कहने का मतलब है सीपी जो होता है वो 100 रुपये हम मानते हैं, अभी मैं समझा रहा हूँ आपको, और उस पर 10% का अगर लाभ हुआ होगा तो कन्फर्म है वो चीज़ 110 की उसने क्या करी होगी, बेची होगी। क्वेश्चन में देखो आपके क्या कहा है कि 935 रुपये में बेचकर 10% का लाभ होता है, तो इसका मतलब आपका तो विक्रय मूल्य 110 रुपये है, लेकिन क्वेश्चन में उसने 935 रुपये कह दिया। फिर आपसे पूछा कि कितने रुपये में खरीदी, मतलब 100 रुपये की चीज़ पूछी, 100 की वैल्यू बतानी है, तो पहले एक की वैल्यू पता होनी चाहिए। एक एक नियम लगाइए कि 110 रुपये बराबर है, मतलब 110 की वैल्यू 935 है, तो एक की वैल्यू यहाँ कितने बराबर होगी, 935/110। अब 1 रुपये की चीज़, मतलब एक की वैल्यू अगर आपको पता है तो 100 की कोई वैल्यू पूछे, यहाँ पे 110 करिए, 110, और 100 की वैल्यू कोई आपसे पूछे तो डायरेक्ट आप 100 से गुणा कर दो, तो ये जीरो कट गया, 11 × 8 = 88 और 11 × 5 = 55 और 10, तो कुल मिला के उस चीज़ का क्रय मूल्य 850 रुपये होगा। उसने वह चीज़ 850 रुपये की खरीदी होगी और उसको 935 में बेचा होगा, तभी उसको 10% का लाभ हुआ होगा। तो ये है आपका क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं कि यदि 15% का लाभ और 15% का हानि का अंतर 450 हो तो क्रय मूल्य। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, मानते हैं 100 ही आपका क्रय मूल्य है, अगर उस पर 15% का लाभ हुआ होगा तो आपने चीज़ 115 की बेची होगी, अगर बाई चांस हानि होती तो 100 में आप 15 कम कर दिया करिए, 85 रुपये की बेची होती।
तो यहाँ पे आपका अंतर कितना आ रहा है, पहले 115 की बेच रहे थे, फिर 85 की बेच रहे हैं, तो आपका 5 से 5 0 और 3, 30 रुपये का अंतर आ रहा है। लेकिन आपके क्वेश्चन में वो 30 रुपये की वैल्यू दी गई है 450 की। अभी मैंने आपको 1 की वैल्यू निकालना बताया था और उससे 100 की वैल्यू निकालना बताया था, तो बस कट कर दीजिए, ये आ जाएगा 1500, तो ये आ जाएगा पूरा 1500। तो कुल मिला के उसका क्रय मूल्य जो है 1500 रुपये हुआ। 100 की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि क्रय मूल्य तो 100 रुपये ही था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहा है कि जतिन एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है और उसके विक्रय मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है। कहने का मतलब है कोई चीज़ जैसे 100 रुपये की है, मान लेते हैं हम, उसने उसके मूल्य से 10% कम पर ख़रीदा, तो 100 का 10% कम पर ख़रीदा मतलब 90 रुपये का ख़रीदा, और उसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, ठीक है, 10% अधिक पर बेच देता है। बेचता कितने का है, वो आपका 110 रुपये का बेच देता है। तो मतलब खरीदी तो 90 रुपये की चीज़, लेकिन बेची कितने की, 110 की, तो उसको लाभ कितने का हो रहा है, उसको लाभ आप देख रहे हो 20 रुपये का लाभ हो रहा है, वो भी कितने पर, उसके लिए तो क्रय मूल्य 90 पड़ा ना, क्योंकि खरीदी तो उसने 90 की है, तो 90 रुपये प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा कर दो, तो ये 0 0 कट जाएगा। देखिए डायरेक्ट हम बता सकते, वैसे हम बता ही देता हूँ, 200/9 आया तो 9 × 2 = 18, फिर 2 आ जाएगा, फिर 9 × 2 = 18, फिर बचेगा 2/9, तो 22 सहित 2/9 प्रतिशत जो होगा उसको क्या हो जाएगा, उसको लाभ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है। क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि एक व्यक्ति 2 किताबें 410 रुपये में ख़रीदता है, दोनों किताबों को समान मूल्य पर बेचता है, एक से उसे 15% का लाभ तथा दूसरे से 10% की हानि होती है, दोनों किताबों का क्रय मूल्य बता दीजिए। सबसे पहले इसमें पॉइंट पकड़ना है, मैं समझा देता हूँ नॉर्मली सवाल क्या है। कोई व्यक्ति है, उसने 2 किताबें ख़रीदी और दोनों को उसको 410 रुपये पड़ गए, फिर वो क्या करता है कि एक किताब को और जो है दूसरी किताब को, दोनों को वो समान मूल्य पर बेचता है, मतलब जितने की पहली किताब बेच रहा है उतने की ही दूसरी बेच रहा है, लेकिन एक पर उसको क्या होता है कि 15% का लाभ होता है और एक पर 15% की हानि होती है। तो कह रहा है कि दोनों किताबों का अलग अलग क्रय मूल्य बताओ। देखिए इसको हम करते हैं ऑप्शन से, जो आपको क्रय मूल्य ऑप्शन में दिए गए हैं अगर उनको जोड़ने पर 410 आ रहा है, तब तो वो वाला ऑप्शन पे हम आगे की कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि भाई दोनों का क्रय मूल्य तो 410 रुपये का है ना एक साथ, तो अलग अलग कुछ भी हो। तो पहला वाला ऑप्शन जैसे है कि 110 और 360, तो 110 और 260 उनको जोड़ने पर 410 नहीं आता है, तो इसका कहने का मतलब है ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन दिया है कि पहली किताब का मूल्य 120 रुपये है और दूसरी किताब का मूल्य 290 रुपये है, इस वाली पे क्या हो रहा है कि 15% का लाभ हो रहा है, तो मतलब अगर हम इसका 115 निकालते हैं और इस पर 10% की हमको क्या हो रही, हानि हो रही, इसका जो है 90% निकालते हैं, अगर दोनों का बराबर आ जाता है तो मतलब यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखो इस 0 को 0 काट दो यहाँ से, देखो 12 × 5 = 60 का 0 हासिल पर 6, 12 × 1 = 18 का 8 हासिल पर 1, 12 × 1 = 13 और नीचे आपका ये है तो 138 रुपये आ गया। अब इसको देखो ये दोनों 0 कट गए, 9 × 9 = 81 का 1 हासिल पर 8, 9 × 2 = 18 और 18 में 2 जोड़ोगे तो 20 × 6 = 26 आया। तो देखो ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो कन्फर्म है ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। मान लेते हैं कि जैसे पहली किताब का मूल्य 180 रुपये था, अगर उस पे उसको 115 रुपये लाभ हुआ होता तो ये 0 0 कट गए होते, आप इसको देखते कि 5 × 10 = 5 × 10 5 × 3 = 15 और 2 × 9 = 18 9 × 3 = 27 का 7 हासिल पर 2 9 × 2 = 18 2 = 20
207 रुपए की उसको बेची होगी, अगर दूसरी वाली भी 207 की बेचता क्योंकि दोनों समान मूल्य पर बेचे, लेकिन इस पे इसको 10% का क्या हुआ, हानि हुई है, तो ये 90 के हिसाब से ऐसे होगा। तो ये देखो 90 होगा ना, इस पे आपको 10% की हानि हुई थी, सॉरी इसका मूल्य 230 दिया गया है, 90% की हानि हुई है, तो 9 × 3 = 27 का 7 हासिल पर 2, 9 × 2 = 18, 2 = 20। देखो दोनों 207 की बेच रहा है, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को केवल और केवल आप ऑप्शन से लगाइए, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8000 रुपये है तथा 7200 में बेचा जाता है, छूट प्रतिशत बताइए। देखिए छूट प्रतिशत होता क्या है, छूट प्रतिशत होता है छूट बटे अंकित मूल्य इंटू 100। तो अगर 8000 रुपए की चीज 7200 में बेच रहा है तो मतलब 800 रुपए की छूट मिली होगी, और अंकित मूल्य इसका 8000 रुपए है, 100 से बस मल्टीप्लाई करना, तो ये एक दो जीरो कट गए, ये एक जीरो कट गया, 8 + 8 कट गया, तो इसका मतलब 10% की उसको क्या मिली, 10% की छूट मिली। तो ऑप्शन नंबर आपको दिया गया है ए में, तो ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक रेडियो 810 रुपए में बेचकर 10% की हानि उठाई। अभी मैंने आपको बताया था जब संख्या और लाभ हानि प्रतिशत बराबर दे दे तो वो विक्रय मूल्य होता है। 10% की हानि उठाई है मतलब 90 की वैल्यू उसने 810 दे दी है, तो यहाँ से एक की वैल्यू 9 हो गई। उसने पूछा क्या है कि अगर उसे 1035 में बेचा, तो पहले तो आपका सीपी पता होना चाहिए, एक की वैल्यू अगर 9 है तो सीपी हमेशा आपका 100 होता है, तो आपका सीपी 900 हो जाएगा। अब ये 900 की चीज बेच कितने में रहा है, 1035 रुपए में बेच रहा है, तो 1035 रुपए में अगर बेच रहा है तो कन्फर्म है उसको 135 रुपए का फ़ायदा हो रहा होगा 900 रुपए पे, तो प्रतिशत निकाल लीजिए, 9 × 9 बचेगा 4, 9 × 45, तो मतलब 15% का उसे क्वेश्चन में लाभ हो गया, जो कि आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि राजेंद्र को एक रेडियो रुपये 510 में बेचने पर 15% की हानि होती है। 15% की हानि का मतलब 85 की वैल्यू आपको 510 दे दिया है। कह रहा रेडियो को कितने मूल्य में बेचा जाए कि ताकि 15% का लाभ हो जाए, तो पहले हमको सीपी पता होना चाहिए, तो 17 × 85 = 17 × 51, एक की वैल्यू यहाँ से आ गई 6, तो सीपी आपका आ जाएगा 600। अब इस 600 को कितने रुपए में बेचें कि 15% का लाभ हो, तो डायरेक्ट इसका 115% निकाल लो, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 9, 6 × 6 = 6, तो 690 रुपए में उसको बेचना पड़ेगा तभी उसको 15% का लाभ होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। कह रहा है हरीश ने 860 रुपए में एक साइकिल खरीदी तथा बाद में इसे राम को 5% के लाभ पर बेच दिया। राम ने इस साइकिल को अपने पुत्र के लिए 2 वर्ष उपयोग किया तथा उसके बाद इसे अपने नौकर को 20% की हानि पर बेच दिया। नौकर को साइकिल कितने में प्राप्त हुई? देखिए हरीश ने किसी चीज़ को 860 रुपए में साइकिल को ख़रीदा और उसको 5% के लाभ पर बेच दिया, तो मतलब 105% उसका निकाल लो सीधे सीधे, तो ये कट जाएगा। आप इसको क्या काटो, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 8, 2 × 3 = 6 और 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 5, तो 2141 का आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 8, 3 × 6 = 10 और ये 903, तो 903 रुपये जो आएगा ना, 903 रुपये क्या होगा, ये चीज़ उसने किसको बेची, अगले वाला व्यक्ति कौन था, राम को बेच दी। अब उस राम ने क्या किया, इसे 20% की हानि पर बेचा, तो 903 का 20% हानि मतलब 880% निकाल लो बस, ये काट दो, तो 8 × 3 = 24 = 4 हासिल पर 2 × 8 = 02, 8 × 72 और एक संख्या पहले दशमलव लगा दो, तो इसका आ जाएगा 722.40 जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों आपके यूपी टेट 2021 के लिए प्रॉफिट एंड लॉस के कंप्लीट क्वेश्चन जो हर टेट के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, जितने भी टेट के एग्ज़ाम हुए हैं आपके 2019 से 11 तक, सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में करा दिए हैं और काफ़ी सरल तरीके से कराने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ में अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जैसे डेली नोटिफिकेशन आपको मेरे चैनल पर यूपी टेट 2021 के लिए मिलते रहें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखता हूँ, धन्यवाद।